हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी केकेबी मेंबर्स? तो इस वीडियो के अंदर दो ऑडियो हैं। मैडम से बात हुई, शुरू में मैंने पहचाना नहीं कौन है, इससे दो बार बात हो चुकी है पहले भी, दो बार इसे प्यार से समझा चुका हूँ। इस बार तो बहुत प्यार से, इतनी प्यार से बिल्कुल खोल के पूरा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन कलेक्शन हो या रिकवरी वाले नहीं समझते, क्योंकि भाई इनका भी टारगेट का डंडा होता है, इनका भी, ये भी जॉब कर रहे हैं तो इन्हें भी अपना काम है कि पैसे निकलवाने हैं तो निकलवाने हैं, इन्हें प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं अपने काम के चक्कर में। इन्हें बिल्कुल कस्टमर की कोई प्रॉब्लम, कस्टमर रो रहा है वो नहीं दिखता, काम में ठीक है लेकिन ये बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और हम कलेक्शन वालों से उल्टे तरीके से इसलिए बात करते हैं क्योंकि कभी भी आप में से कोई भी बंदा देखना, कभी भी कलेक्शन का या रिकवरी का कॉल आए, मतलब दोनों डिपार्टमेंट में बस थोड़ा सा अंतर होता है, कलेक्शन वाले गाली नहीं देते, बदतमीजी नहीं करते, और आपका रिकवरी वाले गाली देते हैं, एजेंसी वाले जो होते हैं। मतलब कलेक्शन के पास, कलेक्शन डिपार्टमेंट में कॉल रहता है कुछ बकेट वन तक, बकेट जीरो तक, तो दोनों में इतना अंतर रहता है बस। तो कभी भी देखोगे कि अगर आपने थोड़ा सा समझा दिया कि इस कारण मेरा मनी इशू हो रहा है, मेरी जॉब नहीं है, या हेल्थ इशू, कुछ भी समझा दिया टोटल, तो ये लोग अपनी तरफ से एक ही एडवाइस देते हैं, सर अरेंज कर लो, सर अरेंज कर लो। इन्हें ये नहीं पता कि सामने वाला कस्टमर रोटी खाता है, गू नहीं खाता, उसे भी पता है अरेंजमेंट का ऑप्शन होता है, लेकिन अरेंजमेंट जब वो हर तरफ से हार गया तभी बोल रहा है कि पैसे नहीं दे पाऊँगा, एक महीने बाद या 15-20 दिन बाद दे पाऊँगा, तो इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हम इनसे टेढ़े तरीके से बात करते हैं, सीधे तरीके से बात करते ही नहीं है। चलिए, बहुत ही मज़ेदार बात हुई है मैडम से, मैडम को पूरा खोल के एग्जाम्पल के साथ समझाया, लेकिन वो बात अलग है, मैडम नहीं समझी, चलिए सुनते हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो, रत्नेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं जी। सर गुड इवनिंग, दुर्गेश बात कर रही हूँ, एचडीएफसी बैंक से, क्रेडिट लाइन से। जी मिस दुर्गेश, बताइए। सर पेमेंट पेंडिंग है जम्मू लोन का, सर क्या करें? फिर पेमेंट रिलीज कर दीजिए प्लीज सर। पेमेंट रिलीज नहीं करनी? क्यों सर, मतलब क्यों नहीं रिलीज कराएंगे सर? मन नहीं कर रहा सर। देखिए, इस तरीके से बात मत करिए सर। देखो, मैं आपको कोई पर्सनली तो यहाँ पे इंटेंशनली तो परेशान कर नहीं रही हूँ सर। बैंक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको कॉल कर रही हूँ। आपका पेमेंट, आपने लोन लिया, डेट सही, मैं आपको कॉल कर रही हूँ सर। आप भी कहीं पे वर्किंग है तो जो आप काम करते हैं, ऐसा करने जाते हैं, वो काम करते हो ना सर? मैडम मन नहीं कर रहा, मैंने रियली बताया, आरटीपी डाल दो, बात खत्म। आप काम कर रही हो, जो भी कर रही हो, उसका मुझे लेना देना नहीं। आरटीपी डाल दीजिए, बात खत्म, ठीक है? क्यों आरटीपी क्यों डाल दें सर? अब यही तो दिक्कत है, अब क्यों पूछोगी सर आगे जाके, और पूछोगे फिर ये पूछोगे कितने बच्चे हैं सर आपके, सर आपने कितनी बार ये कर लिया, सर आपने कितनी बार जॉब करी है, फिर तो मैं सब कुछ खोल के बताऊंगा। बच्चे क्यों पूछेंगे सर पेमेंट के बाद? उसके बाद सब खोल के बताने के बाद भी फिर कहोगी सर ये क्यों हो रहा है सर इंटेंशनली? अरे यार, बड़ा परेशान कर रखा है तुम कलेक्शन वाले। सर आप कैसी बातें कैसी करते हो सर? आप इतना पैसा ले लिया आपने सर बैंक का, और इस तरीके से आप बात करते हो? मैडम शुक्र करो इतना ही लिया, वरना आपके घर बेच के भी खा जाता मैं तो। नहीं, इतनी एलिजिबिलिटी होगी जितना उतना ही तो मिलेगा ना सर आपको? मैं तो बता रहा हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी होती ना तो आपके घर भी बेच के खा जाता, एलिजिबिलिटी नहीं है ना मेरी। क्यों, आप क्या है सर जो खा जाते घर भी सर बेच के? मिलता तो बताता ना फिर। आरटीपी डाल दो। क्यों डाल दें आरटीपी सर? हाँ जी, आरटीपी क्यों डाल दो? आरटीपी मेरा मन कर रहा है आरटीपी डालने का। आज मैंने नूडल खाए ना, नूडल में आरटीपी उबाल के खा ली मैंने, तो इसलिए मुझे आरटीपी निकल रहा है। कैसी बातें करते हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? मैं, आपका नाम क्या है? अब आपसे बात ही हो जाए, आपका नाम क्या है? मतलब नाम लिया, मतलब नाम क्या है आपका? दुर्गेश बात कर रही हूँ सर। दुर्गेश, HDFC से? हाँ जी। अरे एक मिनट, आपसे कल बात हुई थी शायद? शायद क्या सर, बात तो हुई नहीं आपसे। आपकी वो कलेक्शन मैनेजर का नाम क्या? चिंचल गांधी जी सर। अरे आपसे अभी तो बात हुई थी मैडम, आपने फिर कॉल लगा दिया। क्यों, कितनी जगह से कॉल आ रहा है सर, जो पता ही नहीं चल रहा आपको कि किस किस का कॉल आ रहा है? मैडम मैंने तो बहुत सारे डिफॉल्ट किए, नहीं मैं कुछ काम कर रहा था अभी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैडम अभी, लेकिन अब बात हो ही जाए, अब मैंने काम बंद कर दिया, आपसे बात हुई और बताइए। बड़ी प्यारी है आपकी आवाज, आपकी आवाज सुनते ही मैं समझ जाता हूँ तो कुछ काम कर रहा था, समझा नहीं। पेमेंट के लिए देखो दुर्गेश जी क्या कहते हैं, अभी मैंने दो बार समझा दिया, कल और परसों दो दिन समझाया था कि मैडम मेरा इश्यू चल रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मल्टीपल लैपटॉप में रहूंगा, फिर आपने कॉल कर दिया। सी लाइन में हो, बैंकिंग लाइन में आप सर? मैं कलेक्शन कराया, मैंने रिकवरी करी आपका, TL बन चुका था, TL बन चुका हूँ, फिर छोड़ दिया। तो जो काम कर चुके होते हैं वो फ्रॉड करते हैं क्या सर?
मैडम मैं क्या बता रहा हूँ, मल्टीपल डेप्ट है मेरे पास, बहुत सारे, मैं दे नहीं सकता, मेरी कंडीशन ऐसी है। मैं फ्रॉड करने की तो बोल ही नहीं रहा, मैं खोल के बता रहा हूँ, फिर फ्रॉड लगा दिया आपने। जब मैं आपको खोल के बताऊं या बंद करके बताऊं, तो आप उसमें बोल रहे हो कि मेरी मैम आपका घर बेच के भी खा रहा था अगर मुझे वो तो मैंने पहचाना नहीं ना। अरे मेरी क्या करो, इतना परेशान करते हो आप लोग, पहचाना नहीं मैंने कि हमारी दुर्गा जी बोल रही है इतनी प्यारी आवाज में। कैसी बातें कर रहे सर, क्या बात करते हो? दुर्गा जी में पहचान लेता तो ऐसी बात थोड़ी होती, लेकिन हाँ दुर्गा जी ये जो है ना, क्या कहते हैं, आपका पूरे दिन कॉल आती रहती है ना, पूरे दिन बात होती है मेरी, तो वो कितना भी समझा लो समझते नहीं है, तो मेरी जो है ना ट्यून बदल जाती है एकदम से ही। मेरा एक मिनट बात करता हूँ फिर उसके बाद भी ट्यून बदल जाती है। वैसे मेरा मैक्सिमम होता है 6 मिनट समझाने का, एजेंट को 6 से 5 मिनट के अंदर समझाता हूँ, नहीं समझा फिर मैं ऐसी ऐसी तो भाषा कुछ भी बोल देते हैं, फिर जो नहीं समझते तो कुछ भी बोल देते हैं सर। नहीं नहीं बोलता मैं अपनी लिमिट के अंदर हूँ, मुझे पता है मैं कभी गाली नहीं देता, लेकिन हाँ मैं ऐसे वर्ड बोलता हूँ जो अब्यूज पे लगते हैं सर। अच्छा आप तो नाराज लोन आपने लिए है, देने के लिए तो लिया होगा ना सर? ठीक है मैडम, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, आप नाराज होंगी, सॉरी। नहीं 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 सर, आप सॉरी मत, मैं नाराज क्यों होंगी सर, आपके वर्ड से वो आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें मैं थोड़ी ना आपको रोक सकती हूँ। नहीं वो तो क्या है ना, मैं कुछ काम कर रहा था, जब आप देखो एक तो काम के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, ऊपर से मैंने पहचान है कि हमारी दुर्गा जी बोल रही है। सर सुनिए, आप काम कर रहे हैं सर, देखिए आप जो भी काम करते हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं ना सर, फंड तो आता ही होगा ना आपका सर? मैडम मैं कुछ और काम कर रहा था जो फंड से रिलेटेड नहीं था, वो कुछ और था। ओके सर, देखिए प्लीज रिक्वेस्ट है, आप ये 9,500 का पेमेंट है, आप इसको रिलीज कर दो सर, क्योंकि मैडम मैंने आपको देखो मैंने कल समझाया था, समझाया मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है कम से कम 40 लाख के, 40-45 लाख, तो अब मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं दे सकूं, मैं इसको राइट ऑफ तक लेके जा रहा हूँ सेटलमेंट के लिए, क्योंकि जब तक मैं अपनी अमाउंट भी कलेक्ट कर लूंगा, और अगर राइट ऑफ तक कलेक्ट नहीं तो मैं विंटेज में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी अमाउंट तो कलेक्ट आगे कर नहीं लूंगा। लेंगे सर, आगे आगे नहीं रिक्वायरमेंट होगा लोन का आपको मैडम, अगर मेरा अगर अगर मुझे आगे रिक्वायरमेंट है, चलो आप मेरी बात ध्यान से सुनना पहले, ठीक है जी? अगर मुझे आगे रिक्वायरमेंट है, मैं मान लेता हूँ चलो आपकी EMI दे दी, तो 40 लाख कहाँ से दूंगा, सिविल तो तब भी बेकार होगा, एक का अगर 1,000 भी रोक लिया ना, नहीं दे तो भी वो सिविल करा देगा, तो 1 का रोको या 10 का रोको एक ही बात है, और प्लस में क्या है ना, चलो कोई नहीं 10 का भी रोक के आगे नहीं, मतलब किसी बैंक से कुछ नहीं चाहिए आपको सर? बोलने तो दोगे आप मुझे तभी तो बोलूंगा, अगर आगे मुझे बैंक से चाहिए भी तो मैं भी अपनी कंडीशन ठीक नहीं कर सकता, 40 लाख कहाँ से लाऊंगा, दिक्कत ये है। तो इतने टाइम से हम बढ़ते ही आ रहे हैं सर, अभी आपने क्रेडिट कार्ड भी तो यूज करा ही है ना सर? अरे मैडम आप अब बोलोगी कि आपने इसी महीने में यूज किया या पिछले महीने यूज किया था? पिछले महीने कहाँ करे सर, आपको पता ही होगा कब निकाला, 2 तारीख को निकाला आपने पेमेंट से? हाँ इसी महीने निकाला है, तो मैडम ऐसा है ना कि क्या कहते हैं, मैंने निकाला, लोन भर ही रहे थे सर, तब क्यों भर रहे थे आप, किससे तो भर ही रहे थे सर? मैडम डिफॉल्ट थोड़ी करना था मुझे, डिफॉल्ट थोड़ी करना था, या जब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई जो मैं फंस गया तो मैंने डिफॉल्ट, अब मुझे डिफॉल्ट मजबूरी में करना पड़ा है, मुझे खुशी खुशी थोड़ी करना पड़ रहा है, कैसी बातें करती हैं आप, इतनी सी एज में ही आप डिफॉल्ट कर रहे हैं बैंक के साथ? मैडम खुशी खुशी थोड़ी कर रहा हूँ, मजबूरी है, नहीं दे पा रहा, मैं फंस गया हूँ इसलिए डिफॉल्ट करना पड़ रहा है। पेमेंट ही स्टॉप कर देंगे, पेमेंट ही नहीं देंगे सर, मजबूरी है। तो मैं कहाँ से ला के दूँ 40 लाख, 40 लाख कहाँ से ला के दूँ पहले बताओ? फैमिली से बोरो कर लो, 96 का बोन है सर आपका, अभी एज भी नहीं है आपकी ज्यादा सर, अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉड करना, मतलब बैंक के साथ में डिफॉल्ट कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है मैडम, आप समझ नहीं पा रहे। चलो मुझे एक बात बताओ, समझ रही हूँ मैं आपके साथ, बोलता देखो आपका इंटेंशन है नहीं देना है, कोई बात नहीं सर, मैं वो मेंशन कर दूंगी, यही तो दिक्कत है, मैं ले ही नहीं सकते ना सर, मैं आपने आपको देना देखो ऐसा है ना, मैं आपको पूरा अगर खोल के बता दूँ ना तो फिर आप इसको इंटेंशन का नाम दे दीजिए। चलो मुझे एक बात बताओ, आपके पास 10 बैंकों के और NBFC के मिलाकर 8 बैंक है या 7 बैंक है, 3 NBFC है, ठीक है, आपके पास लोन 40 लाख का हो गया, अब आपसे नहीं दिया जा रहा, अब आप अगर एक EMI एक बैंक की दो या किसी के भी दे दो टोटल, तो सिविल तो तब भी गिरेगा क्योंकि सबका थोड़ी दे पाओगी? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं लूंगी सर, अगर मेरा सिविल खराब हो रहा होगा तो जो मैं मैनेज कर सकती हूँ वो तो मैं मैनेज करूंगी ना, ये अरे तो मैनेज कर का फायदा क्या, मैनेज कर का फायदा क्या, नुकसान वाली बात नहीं होती है ना सर, जो लिया है वो तो देना होता है ना सर, अभी तो मैडम 40 लाख दे दोगी, 40 लाख दे दोगी आप? सर मैनेज करूंगी ना, जिसका मैनेज हो सकता है वो करूंगी सर धीरे धीरे। मैडम फायदा क्या, सिविल तो तब भी बेकार होगा, जब सेटलमेंट करूंगा तो भी बेकार होगा, सिविल के लिए नहीं करूंगी, इंसानियत के लिए करूंगी सर, कि मैंने बैंक से पैसा लिया है तो एज इंसानियत मैं पेमेंट डालूंगी जितना मेरे से मैनेज हो सकता है। ये मैडम ये पता है, ये जो है ना बोलते हुए अच्छे लगते हैं डायलॉग, क्योंकि नहीं नहीं डायलॉग अच्छे नहीं लगते, बोलते हुए अपनी अपनी दुर्गा
मैं जो है ना बहुत खुश हुआ आपका डायलॉग सुनकर। बाकी अगर आपसे मैं ये पूछूं, अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं अगर मैं आपसे ये अपनी पूछूं, अपनी थिंकिंग है सर, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है सर। अगर सामने वाला कोई पर्सन है जो क्या कहते हैं मर रहा हो, और आप अगर अपनी जान खतरे में डाल के उसको बचाओ, तो आप बोल दो कि हाँ मैं बचाऊंगा। जब बचाने की बारी आएगी ना, तो आपके पैर नहीं हिलेंगे कि मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं उसके लिए। तो वो अपनी 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 थिंकिंग है सर। तो मिस दुर्गा मैं क्या बताऊं, मैं ये बोल रही हूँ रतेश जी, अपनी अपनी थिंकिंग है सर, अपना अपना तरीका है सर, कैसे क्या डील करना है सर। आपने इंटेंशनली नहीं करना है पेमेंट, कोई बात नहीं सर, मैं मेंशन कर रही थी, मैं नहीं करूंगी कॉल। मिस दुर्गा मिस्टर राकेश कैसे हैं? कोई बात नहीं सर, मैं ये अपडेट कर रहे थे सर। मिस दुर्गा एक बात तो बताओ जी, आपने तीसरी बार कॉल किया, आप चौथी बार कर दूंगी तो? नहीं करूंगी सर कॉल मैं आपको। पक्का जी? नहीं आप मुझे कर लेना दोबारा, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सर, आपका इंटेंशन जब है ही नहीं, आप मुझे साफ बोल रहे हैं कि आपने देना नहीं, तो मैं क्यों आपको कॉल करूं? वही वाली बात है ना, जैसे कि अगर मैं, अगर आपको पर्सनली बताऊं अपने शब्दों में, अगर मैं आपके सामने खुद अगर छत से भी कूद जाऊंगा ना कि मैडम नहीं मैं इंटेंशन, ये तो आप ये होगी, ये जो है ना ये क्या कहते हैं परेशान हो गया वो एजेंसी वाले से, इसलिए कूद गया, इसने सुसाइड कर लिया, मतलब बताने का फायदा नहीं, सर काट के रख दूंगा तो भी वही बात है, इंटेंशनली है। दुर्गा मैं क्या ही बोलूँ, आप तो खुद बोल रहे हैं सर कि मैंने फ्रॉड कर, मैंने पैसा मैं दे नहीं सकता, 40 लाख मैंने लिया है, मैं दे नहीं सकता, तो मैं एक पेमेंट दूं या दो पेमेंट दूं, सिविल तो मेरा खराब है, इसलिए मैं पेमेंट ही नहीं दे रहा हूँ। अरे तो मैं इसको, मैंने आपसे ये बोला कि मैं मनी कलेक्ट कर रहा हूँ, आपको वो सुनाई नहीं दिया होगा शायद, है ना? मनी कलेक्ट कर रहा हूँ मतलब, मनी कलेक्ट कर रहा हूँ सेटलमेंट कराने के लिए, मनी कलेक्ट होगा तभी तो सेटलमेंट होगा मिस दुर्गा, वरना कैसे होगा? हाँ तो सर आगे भी तो पैसा देना ही है ना आपने। सेटलमेंट एक अलग चीज होती है, ईएमआई एक अलग चीज होती है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई नो सर, मैं भी बैंकिंग लाइन में हूँ तो मुझे भी पता है सर सेटलमेंट क्या है और ईएमआई क्या है सर। बाकी मिस दुर्गा आपको घर बेच के नहीं खाएंगे हम, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, मैं ये मेंशन कर देती हूँ कि आप इंटेंशनली नहीं देना चाह रहे पेमेंट सर। हैव अ गुड डे मिस दुर्गा, एंड नाइस वर्ड एंड नाइस नेम। थैंक यू सर। हेलो सुप्रिया बात कर रही हूँ, आप पुणे वाला किसको? मनीष कुमार पर बात कर रहे हैं। ओह सुप्रिया जी, आपकी आवाज में शांति है, बताइए मनीष कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पस। और जी मनीष सर, आपका पर्सनल लोन है लास्ट 4 डिजिट 2375, टोटल आउटस्टैंडिंग है सर 49,055। और सर पेमेंट क्लियर हुआ इसका? हाँ हुआ सर, क्लियर क्लियर। नहीं हुआ सर अभी तक? ओके, बट क्यों नहीं सर हुआ अभी तक पेमेंट आपका? क्योंकि अभी तक आपने कॉल ही नहीं किया था सर, जब आपने कॉल कर दिया आपको बता देता हूँ। तो अभी कर रहे हैं सर, मैं गाइड करती हूँ आपको पेमेंट। नहीं शुक्रिया जी, मैंने कहा अभी आपने कॉल करा तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले और एजेंटों ने कॉल किया था, नेहा स्नेहा और आपका माही शर्मा, इन एजेंटों ने कॉल करा था, आपने कॉल किया आपको बता देता हूँ। बाकी मैं शुक्रिया, आप सौंफ खाती हो क्या? सौंफ बोले सर? सौंफ खाती हो क्या? क्या हुआ सर बोलिए? सौंफ 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 खाती हो? सौंफ क्या बोल रहे सर आप? आपका वॉइस निकले, पेमेंट का बोलिए ना मनीष सर, पेमेंट क्लियर हुआ है क्या आपका? मैं आपसे बोल रहा हूँ मिस सुप्रिया, आप सौंफ खाती है? सौंफ सर एक्चुअली सर देखिए, आप पेमेंट की रिगार्डिंग बोलिए ना मनीष सर। नहीं आपकी 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 आवाज ना कोयल सी मीठी है, इसलिए बोल रहा हूँ आप सौंफ खाती है नहीं खाती। सर देखिए वो तो जाने दीजिए मनीष सर, पर पेमेंट का मुझे बता दीजिए ना एक बार सर, 14,055 का। क्या मिस प्रिया, बार 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 आप पेमेंट पेमेंट करें, या पेमेंट नहीं किया मैंने? हाँ सर, हाँ नहीं किया इसके लिए तो कॉल आ रहे हैं ना सर मनीष सर, तो आप मैं 4 करोड़ भरने का सर आप बात कर रहे थे राइट सर 23 को? हाँ। आपके 3 इंस्टॉलमेंट क्लियर हुए सर? 3 इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गए, उसने कर दिए होंगे, इसने इसने कर दिए होंगे मेरे भाई ने, इसने कुनाल ने कर दिए होंगे मेरे भाई ने 3 इंस्टॉलमेंट के लिए, बहुत नॉटी है कुनाल। तो मैडम मैं अगर क्या बोल रही सर, मतलब क्योंकि फोर क्लोज करना होगा ना सर आपको, तो 3 इंस्टॉलमेंट आपका क्लियर होना चाहिए मनीष सर, तो ये जाके आप फोर क्लोज कर सकते हैं। अरे ये बोल रही हो, मैं समझा क्लियर हो गए, अप्लाई किया सर
मैडम फोर क्लोजर के लिए अप्लाई नहीं किया, अब इसका पेमेंट हम देंगे कुछ 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो ईएमआई सर टाइम भी पे कीजिए ना, मतलब सर क्या आपको मिस सुप्रिया मिस सुप्रिया अगर पेमेंट देनी होती तो ये क्यों कहते 3 महीने बाद, टाइम पे कुछ क्लियर नहीं करना, 3 महीने बाद क्लियर करना है जो करना है मिस सुप्रिया। तो पेमेंट सर 14,050 नहीं करना ना, वही तो बता रहा हूँ नहीं करना, इस महीने में नहीं करने वाले सर पेमेंट। हाँ करेंगे 3 महीने बाद, आई विल पे आफ्टर 3 मंथ। मिस सुप्रिया क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ, जॉब का इशू है क्या है सर? मेरा जो है ना गिर गया बिजनेस और मेरी जो है ना जॉब अभी रही नहीं। जॉब इशू की वजह से डिले हो रहा है सर। हाँ अरेंजमेंट कीजिए ना हमारे सर थोड़ा बहुत, क्योंकि सर देखिए डिले करेंगे क्रेडिट स्कोर के इम्पैक्ट होने के चांसेस, प्लस आपको 3 बार इससे सीट होता है आपके अकाउंट में सर, तो दोनों साइड से चार्जेस लगने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो आपको ही सर फाइनेंशियल बर्डन आएगा पेमेंट का। नहीं मैडम फाइनेंशियल बर्डन जितना भी आता है ना मैं सब झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नो प्रॉब्लम सर, मैं आपको बताना शुरू करूं उतना ही सर, देखिए हो सकता है मंथ एंड तक ट्राई करेंगे सर पेमेंट के लिए। ट्राई नहीं हो पाएगा, 3 महीने मांग रहा हूँ, 3 महीने नहीं मांगता मैं, 1 महीना मांगता तो शायद हो जाता। मेरा कहने का मतलब है मैं शुक्रिया 3 महीने दे दीजिए मुझे ना। ठीक है सर, आप एक बार कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, मैं अपडेट कर देती हूँ सर। शुक्रिया अगर कस्टमर केयर से ही बात करनी है तो आपसे क्यों कर रहे हैं सर? हम कलेक्शन डिपार्टमेंट है, उनके एंड से भी एक आपका कंफर्मेशन जाएगा सर, हमारे एंड से तो जाएगा ही सर, तो आप ही कर दो, आप ही कर दो। शुक्रिया ठीक है सर, मेरे एंड से मैं अपडेट कर देती हूँ, आप ये पेमेंट को 3 महीने तक क्लियर करने आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नया तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।